केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि विधेयक बिल के विरोध में 12 अक्टूबर को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किसान विरोधी रैली निकाले जाने के मामले में हल्द्वानी पुलिस ने 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज कर लेने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। किसान विरोधी ट्रैक्टर रैली निकाले जाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने के मामले में ये कार्रवाई हुई है। तो आपको बता दें कि मामला दर्ज होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता एसपीसीटी से मिले थे, लेकिन असंतुष्ट होने पर एसपीसीटी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिदिन ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, लिहाजा प्रदेश सरकार एकतरफा कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने आरोप लगाया कि जब सीएम हल्द्वानी दौरे पर थे तब भी कई जगह जाम की स्थिति बनी, लेकिन सीएम और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ। उत्तराखंड में जो चल रहा है, सरकार द्वारा पूरी तरह भेदभाव किया जा रहा है। हमारी रैली को, जो किसान के जो बिल के विरोध में जो कांग्रेस ने रैली की थी, जिसकी परमिशन थी, रूट की परमिशन थी, उसी रूट में वो रैली गई और हमसे ये कहा गया कि भाई आपका जुलूस इतना ज़्यादा बड़ा था कि उसकी वजह से जाम लग गया और जिस वजह से मुकदमे लगाए गए। तो ये बताइए कि उस जुलूस में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है और उसकी रूट की व्यवस्था करना पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है। हमने उनसे सवाल किया, जब मुख्यमंत्री जी आए थे आपने रूट डाइवर्ट किया, पूरा शहर में जाम की स्थिति थी, लोग परेशान हो गए, एक घंटे तक आपने रूट डाइवर्ट करके लोगों को परेशान किया, और क्या आप मुख्यमंत्री पर मुकदमे लगाएंगे? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस का धरना प्रदर्शन और जो उनकी रैली थी उसके पश्चात जो उनका धरना प्रदर्शन हुआ, निश्चित रूप से कानून अपना काम कर रहा है। मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में कानून अपना अच्छी तरीके से पालन कर रहा है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो अपनी रिपोर्ट दिखा सकता है, कोर्ट में जा सकते हैं और हाईकोर्ट भी बहुत नज़दीक है यहाँ से, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि त्रिवेंद्र सरकार में कानून अपना किसी भी पक्षपात के साथ